स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन क्या होता है, दो वीडियो को जोड़ना, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब दो वीडियो को जोड़ने के बाद जो उसके अंदर इफेक्ट आता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टिकटॉक वीडियोज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ में, अपने फेसबुक वीडियोज़ में, कहीं पर भी आप इस ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी क्रिएटर हैं उन सब के लिए ये बात। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। जैसे कल रात मेरे पास एक मेल आया कि आपका 2 साल बियॉन्ड डावर चैनल पे हो चुका है, 10,51,200 वॉच टाइम मिनट हो चुका है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं ट्रांजिशन के बारे में जानने के लिए। तो नंबर वन में पार्ट ए में अगर मैं आऊँ तो जो फुल फ्रेम ब्लॉकिंग की जो बात है उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले शॉट में, आप धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और उस पूरे कैमरे फ्रेम में ब्लॉक कर देंगे। और जब दूसरा आप शॉट लेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक शॉट से शुरुआत करेंगे जैसे कुछ इस तरह से, और इन सबके बाद जो फाइनल आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। जो दो पार्ट भी है उसको हम बोलते हैं सेम फ्रेम ब्लॉकिंग। सेम फ्रेम ब्लॉकिंग क्या है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को आप शूट कर रहे हो तो कुछ ऐसे जगह पे एंड करो, जो जगह पे आप एंड कर रहे हो दूसरा शॉट जब आप लो तो उसी एंड वाली पोजीशन से आप फिर से शॉट कर सकते हो। बट मेरे पास क्या है कि जैसे पहली जगह पे यहाँ पे स्टेयर थी तो मुझे पता था कि ये स्टेयर का जो कलर है मेरी किसी दूसरी वॉल पे मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ से वो शॉट ले लिया। और हाँ, मैंने बाद में फिर कुछ पार्ट ए और पार्ट बी को मिक्स करके इसको बना दिया, तो आप देखिए फाइनल आउटपुट। अब नंबर दो पे आते हैं, इसको बोलते हैं स्काई ट्रांजिशन, विच इज वेरी फेमस एंड बेसिकली इट्स वेरी इजी। आप क्या करोगे, जो पहला शॉट लोगे आप ऑब्जेक्ट से लोगे स्काई तक जाओगे, और जो दूसरा शॉट लोगे वो स्काई से स्टार्ट करोगे ऑब्जेक्ट तक जाओगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल आउटपुट। तो जो तीसरा ट्रांजिशन है उसे बोलते हैं मूवमेंट मैच ट्रांजिशन। मूवमेंट मैच ट्रांजिशन क्या है कि आपका जो कैमरा है वो बहुत ही मूवमेंट के साथ चलना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले शॉट में ऑब्जेक्ट को ऐसा मूव कराया है, उसने बॉल फेंकी और मेरा कैमरा मूव कर गया, और दूसरे शॉट में मैंने क्या किया, मूवमेंट के साथ उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचा। उसके बाद आप जब इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों एक साथ चला है। तो अब हम बात करें ट्रांजिशन नंबर 4 के बारे में, वाइप एंड ट्रांजिशन। वाइप एंड ट्रांजिशन क्या होता है, मूवमेंट मैच की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि आप जो पहला शॉट लेंगे उसका जो एंड डायरेक्शन होगा, एंड डायरेक्शन दैट्स मीन कि अगर आप राइट लेफ्ट टू राइट गए हैं तो दूसरे शॉट में भी आप लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, तीसरे शॉट में भी लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, इस तरीके से आप सो ऑन करेंगे। आप डायरेक्शन बदल सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, अप टू डाउन भी कर सकते हो, डाउन टू अप कर सकते हो, बट आपका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा लुक देगा आपको। तो अब हम बात करें ट्रांजिशन नंबर 5 के बारे में, जिसे बोलते हैं फेड इफेक्ट ट्रांजिशन। व्लॉगर काफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, और पहले शॉट और दूसरे शॉट के बीच में जो टाइम लैप्स है बहुत ही क्लियर लेना पड़ेगा आपको। और ये रहा आपका, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये 5वां ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगा होगा। ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिशन आप अपने व्लॉग में, अपनी वीडियोस में यूज़ करेंगे। अगर आपने ये ट्रांजिशन यूज़ करने हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप ट्रांजिशन यूज़ करने में आपकी जो एडिटिंग है वो परफेक्ट टाइम के साथ ही कट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मूवमेंट पहले शॉट में काफ़ी ज़्यादा ले लिया, दूसरे शॉट में मूवमेंट लिया ही नहीं, तो उससे ट्रांजिशन इफेक्ट उतना अच्छा आएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया। रुक जाओ, जब मैं बुझा एक्शन बोल ले तो मुझे 1 2 3 एक्शन।